अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया, कमेंट्स में भी पूछा गया कि आप इस बारे में ज़रूर वीडियो बनाएं कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स में जब इनिशियल टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ क्या क्या और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन सी चीज़ अपने साथ लेकर जाए। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा, ए टू जेड बिल्कुल बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों कैंडिडेट का नाम भी नज़र आ रहा है अली हमज़ा, और ये कोर्स क्वालिफिकेशन मैट्रिक साइंस, ये सारी चीज़ आप लोगों को ब्रांच बी एफ इंडिया ईमेल, ये सारी चीज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो साथ में आप लोग को टेस्ट का डेट भी नज़र आ रहा है, ठीक है, 6/1/2022, ठीक है। और साथ में आप लोग को टाइम भी नज़र आ रहा है 10 बजे। दोस्तों यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है जो डेट आप लोगों को दिया जाता है और जो टाइम आप लोगों को दिया जाता है, तो उससे आप लोगों ने 30 मिनट पहले पहुँचना है, ठीक है। इसके साथ दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जाने हैं, दूसरे नंबर पे ये NIC अपना, आप लोग का अगर NIC बने स्मार्ट कार्ड तो वो साथ लेके जाए, अगर नहीं बने तो आप लोग अपने साथ फॉर्म भी लेके जाए, ठीक है। और इसके साथ अटेस्टेड पुडका पे फादर से NIC, ठीक है, फादर का जो NIC है उसका अटेस्टेड पुडका भी साथ लेकर जाए, ठीक है। ऑल ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितनी भी आपकी डिग्री है, आप मेट्रिक पास हो, आप FSC पास हो, जो भी आप लोगों की चीज़ है वो आप अपने ओरिजिनल साथ लेकर जाए, ठीक है। तीसरे नंबर अगर ओ लेवल के तो वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आए, ठीक है ना, दो तस्वीर भी अपने साथ फ्रेश बिल्कुल अभी टाइम के, मतलब आपका 2-3 साल का पुराना है ना, वो अपने साथ लेके आ जाएगी, ठीक है। जो बलूचिस्तान और ये फ़ोटो वगैरह से कर रहे हो अपने साथ डोमिसाइल भी लेके आ जाएगा लोकल, ठीक है। और आप लोग कौन सी चीज़ें अपने साथ नहीं लेके आ सकते वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बैग, कैमरा, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने साथ नहीं लेके आ सकते हो। और जो आप लोग का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो आप, यानी पहला जो टेस्ट होता है आप लोग का इंटेलिजेंस, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा फिजिक्स का, चौथा मैथमेटिक्स का, और 5 जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं।